पूरा देश इस वक्त चुनावी माहौल में नजर आ रहा है। राजनेता से पार्टी कार्यकर्ता तक तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जहां एक तरफ राजनीतिक दल धुआंधार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग को देश की सर्वोच्च अदालत ने नोटिस जारी किया है और ये नोटिस वीवीपैट मशीनों को लेकर है। वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र से जवाब मांगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वकील और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा दायर एक याचिका पर सोमवार को अहम सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने चुनाव में सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती का अनुरोध करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल के वकीलों की दलीलों पर गौर करते हुए नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 17 मई को हो सकती है। याचिकाकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल ने अपनी याचिका में कोर्ट में कहा कि सरकार ने लगभग 24 लाख वीवीपैट की खरीद पर लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन वर्तमान में केवल लगभग 20,000 वीवीपैट पर्चियां ही सत्यापित हैं। चुनाव न केवल निष्पक्ष होने चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए, क्योंकि सूचना के अधिकार को भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) और 21 के संदर्भ में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। मतदाता को आर्टिकल 19 और 21 के तहत सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत चुनाव आयोग 2023 में इस माननीय न्यायालय के निर्देशों के उद्देश्य और उद्देश्य के अनुसार अपने द्वारा डाले गए वोट और वीवीपैट के पेपर वोट द्वारा गिने गए वोट को सत्यापित करने का अधिकार है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि चुनाव कराने वाली मशीनों पर सवाल उठ रहे हों। ईवीएम को लेकर विपक्ष हमेशा से ही सरकार और आयोग को घेरता रहा है। अगर वीवीपैट मशीन की बात की जाए तो वीवीपैट का पूरा नाम वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रिंटर प्रणाली है जो मतदाताओं को ये बताती है कि उनका वोट उनके पसंदीदा उम्मीदवार को ही मिला है। अब हर ईवीएम के साथ एक वीवीपैट मशीन लगाई जाती है ताकि चुनाव निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में साल 2013 में हुआ था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट मशीन बनाने और इसके लिए पैसे मुहैया कराने के आदेश केंद्र सरकार को दिए थे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस वोटिंग को पहला महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मांग की है कि इस विषय पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले निर्णय किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।